पतरस की पहली पत्री तीसरा अध्याय। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएं और तुम्हारा सिंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं, जैसे सारा इब्राहिम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। सो तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। निदान सब के सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो। पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए हैं।